हाँ, तो अब देखिए आपका इसका एक ही लास्ट क्वेश्चन रह गया है। तो ये आपकी वर्कबुक का जो फोर्थ लेसन है, जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार इससे पहले के सारे वीडियो और देखिए, तो आपको जो कंप्लीट पोएम है वो एक बार लर्न होगी। और जिस तरीके से इसका जो पिछला जो चैप्टर था आपका, जो चैप्टर नंबर थर्ड था, वहाँ जिस तरीके से आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छे से समझा था, ठीक इसी तरीके से राइटिंग टाइम में यहाँ एक नई चीज़ आपको फिर मिलेगी जो नोटिस होगा। तो इसके बाद अगला वीडियो जो भी आपके लिए आएगा तो उसमें आप लोग बहुत ध्यान देना, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा टॉपिक होगा। मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर का जो बी सेक्शन होता है, तो उस बी सेक्शन में जो वर्कबुक में राइटिंग टाइम में जो कुछ दिया है वो कंप्लीट आता है। और ये मेरे ख्याल से बी सेक्शन का पहला क्वेश्चन होता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और पोस्टर, इन तीनों में से कोई भी दो पोर्शन मिलने हैं और उन दो में से आपको कोई एक करना है जो आपको 5 मार्क्स देगा। चलिए, इससे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार इसे और अच्छे से देखिए। देखिए, जिन लोगों ने पोइम को ठीक से लर्न किया है, मैंने जहाँ पोइम बताई थी वहाँ उनने पोइम को ठीक से पढ़ा है, और इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं वो अगर आपने बहुत अच्छे से करे हैं, तो इस बेशक ये आंसर आपको दिखने में बड़ा है, लेकिन इस आंसर में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कारण कि ये मैंने जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस थे या जो पोएम का जो भी मेन बातें थी वही सारी बातें मैंने यहाँ रिपीट करी हैं, तो इसलिए ये जो सेंट्रल आइडिया अगर बनेगा तो इसमें कविता ही चूँकि इतनी बड़ी नहीं है और उसमें बातें ही इतनी नहीं कही गई हैं, इसलिए हम कविता का जो केंद्रीय भाव है उसकी मेन मेन बातें भी अगर लिखेंगे तो वो भी वही हैं जो आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लर्न करी हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक बार मैं पोइम को, जो सेंट्रल आइडिया है पूरे को, आपको एक बार पढ़ के बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वही बातें हैं जो हम पीछे से लर्न करके आए हैं। सबसे पहली बात, जब ये सेंट्रल आइडिया किसी भी पोइम का एग्जाम में आपके लिए आएगा तो उस सेंट्रल आइडिया के आगे आपको उस पोइम का नाम लिख के आएगा। जैसे यहाँ लिखा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम ब्यूटी, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये जो ब्यूटी पोइम है हमारी, यानी जो पोइम नंबर हमारी थर्ड है, सॉरी फोर्थ है, हमें उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक इसी तरीके से अगर नेक्स्ट कोई पोइम आती है, जैसे मान के चलिए आपकी जो नेक्स्ट पोइम होगी वो रिस्क होगी, तो अगर वो आती है तो वो भी आपके लिए आ जाएगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम रिस्क। इसके बाद एक और पोइम है, यानी कोई भी, जैसे जो फर्स्ट पोइम है वी आर द फ्यूचर, जो आप पहले पढ़ के आए हैं, तो अगर वो आती है तब आपके लिए लिख के आ जाएगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम वी आर द फ्यूचर। तो यानी पोइम का आगे नाम जुड़ जाने से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इस पोइम का सेंट्रल आइडिया लिखना। क्लियर? तो पहले तो आप लोग इस बात से समझिए कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कैसे आएगा। फिर हमें जब ये समझ में आ गया कि हमें ब्यूटी पोइम का सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो ये आपके दिमाग में अच्छे से फीड होना चाहिए कि जो पोइम ब्यूटी है, आंसर लर्न होता है ये अलग बात है, लेकिन जो ब्यूटी पोइम है उसमें क्या क्या बातें थीं, अगर वो आपको ठीक से याद रहती हैं तो इस आंसर को कभी आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा आंसर आपको ठीक से लर्न रहेगा। अब देखिए इस आंसर को, तो यहाँ हमने सबसे पहले कह दिया कि दिस पोइम टेल्स अस अबाउट ब्यूटी, यहाँ सॉरी अबाउट और लगा लीजिए, ये बस इसको थोड़ा सा अबाउट लगा करके और लिख लीजिए कि दिस पोइम टेल्स अस अबाउट ब्यूटी, यानी ये जो कविता है वो हमें सुंदरता के बारे में बताती है। क्योंकि सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो सबसे पहले वो तो ऊपर तो नाम हो गया कि कविता का नाम ब्यूटी है, लेकिन हम ये तो बताएंगे कि इस कविता में वर्णन काहे का है, तो हमने बता दिया कि ये कविता हमें ब्यूटी के बारे में बताती है। विच इज जो है, पहले वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिए, विच इज जो है अ सोर्स ऑफ जॉय, सोर्स मतलब स्रोत, ऑफ जॉय खुशी का, तो ये भी बात नॉर्मली सबको पता है कि सुंदरता खुशी का स्रोत होती है। ठीक, यानी दुनिया में कोई भी अगर आप ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं तो उसे देखकर हमेशा प्रसन्नता होती है। इसके बाद आगे देखिए कि इट मे बी सीन, इसे देखा जा सकता है। अब यहाँ समझ रहे होंगे कि मे बी लगाए तो मे का पैसिव वॉइस हो गया और सीन लगाए तो वर्ब थर्ड हो गई, तो इतने से आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसकी हिंदी क्या करेंगे। हिंदी में आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब की हिंदी होती है, पैसिव वॉइस अगर आप कर देंगे तो उसमें जा लगा देंगे।
हमेशा पैसिव वॉइस में जा लगता है। जैसे मे की हिंदी होती है सकता सकती, जब आप उससे पैसे बनाएंगे तो पैसे में आप उसके लिए बी लगाएंगे और वर्ब थर्ड लगाएंगे, तो हिंदी में आप क्या करेंगे, ठीक ऐसे ही हिंदी में आप उसके लिए जा लगा दें, तो इट मे बी सीन क्या उसे देखा जा सकता है। अब ये आपको लर्न होगा कि ब्यूटी को हम पोइम में कहाँ कहाँ देख रहे थे, तो वो मैंने आपको तीन चार बार लर्न करा दिया है कि ट्रीज पे देख रहे थे, तो आप लिख देंगे कि इन द ट्रीज, पेड़ों में देखते हैं। दूसरा हम काय में देखते हैं, वर्ड्स में देखते हैं। तीसरा हम काय में देखते हैं, जैसे पेड़ समझ में आया, पेड़ के बाद उसके ऊपर बैठे हुए पक्षी, मैंने वहाँ भी ऐसे ही याद कराया आपको। और इसके बाद जो ग्रोइंग कॉर्न है, जो भी आपकी कॉर्न ग्रोइंग होती है उसमें अपन देखते हैं। और एंड डांसिंग पीपल काय के लिए, फॉर देयर हार्वेस्ट, और नाचते हुए लोग अपनी फसल के लिए। तो इन सारी चीज़ों में कवि ने ब्यूटी को देखने वाली बात करी है। तो ये वही बातें हैं जो आपने आंसर में लर्न करी थी या जो पोइम में लर्न करी थी। इसके बाद आगे देखिए कि इट मे बी हियर, तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया कि मे बी कर दिया और हियर का थर्ड फॉर्म कर दिया हियर। इसका मतलब क्या हो गया कि इसे सुना जा सकता है। अब सुनने वाली जगह कौन सी है वो आपको लर्न होंगी, कहाँ, इन साइंग विंड इसमें सुना जा सकता है, फॉलिंग रेन इसमें सुना जा सकता है, एंड चंटिंग ऑफ अ सिंगर के यहाँ भी इसको सुना जा सकता है। ठीक, इन दोनों के बाद एक लाइन और जोड़ी कि इट गिव्स जॉय, कि ये खुशी देती है, टू एवरी ह्यूमन हर्ट, प्रत्येक मानव जाति या प्रत्येक मानव के हृदय को, यानी हर एक हृदय को ये खुशी देती है। तो ये एक सामान्य सी या एक जनरल बात हो गई, क्योंकि यहाँ इस पोएम में हमारे पास लिखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो इसलिए हमने वो सारी बातें लिखी, क्योंकि कवि ने यहाँ सारी बातें हैं जो बिल्कुल ओपनली सारी बातें करी हैं, तो इसलिए हम उन्हीं बातों को लिख दें और बाद में एक आध दो विचार जो आपके हैं आप वो जोड़ दें। जैसे हमने कह दिया कि इट गिव्स जॉय, कि ये खुशी देती है, कौन, ब्यूटी, या ब्यूटी गिव्स जॉय। मैंने आपको बताया कि जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही होता है, सी होता है, इट होता है, तो अंग्रेजी में इनका यूज़ क्या है, हम समझ तो लेते हैं कि नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, तो ठीक है नाउन का तो यूज़ समझ में आता है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे लगता है, लेकिन प्रोनाउन का यूज़ क्या होता है, हमें समझ में आ गया कि वो भी सब्जेक्ट के प्लेस पे लगता है, लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस पे क्यों लगता है, क्योंकि ये उस नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। कोई भी नाउन अगर हम बार बार उसी नाउन का नाम लेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस है वो भद्दा लगेगा, तो उस भद्देपन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, यानी नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम प्रोनाउन का होता है। तो जो यहाँ बार बार आ रहा है कि ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, तो उसकी जगह पे हम इट अगर यूज़ करते हैं तो ये भद्दा नहीं लगता, कि इट गिव्स जॉय, ये हमें खुशी देती है, इसका मतलब ब्यूटी गिव्स जॉय, कि सुंदरता हमको खुशी देती है, यानी टू एवरी ह्यूमन हार्ट, यानी सुंदरता जो होती है वो प्रत्येक ह्यूमन हार्ट को प्रसन्नता देने वाली होती है। इसके बाद आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, ब्यूटी इज, कि सुंदरता है, इन आवर ड्रीम, इन आवर गुड डीड्स, जो हमारे गुड डीड्स हैं, जो हमारे अच्छे काम हैं उनमें भी सुंदरता है। इसके बाद आगे कहता है कि हैप्पी थॉट्स, जो आपके हैप्पी थॉट हैं उनमें भी सुंदरता है, दैट रिपीट देमसेल्फ, कि वो हैप्पी थॉट जो रिपीट होते हैं काय में, एज ब्यूटी, सुंदरता के रूप में, इन आवर ड्रीम्स, हमारे सपनों में, वर्क हमारे काम में, एंड इवन इन आवर रेस्ट, और यहाँ तक कि हमारे आराम में भी। बात आ गई होंगी समझ में, तो इसमें पूरे आंसर में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए थे उनसे अलग कराया हो, आगे बात समझ में, लेकिन फिर भी आप इसे लर्न करें ठीक से एक बार कंप्लीट आंसर को, मेरे ख्याल से वर्ड मीनिंग सबके लिख गए होंगे, अब इस आंसर को एक बार पूरा कंप्लीट और देखिए। हाँ, तो अब देखिए आपकी जो पोएम है, आप पोएम के जो तीन स्टेंजा थे आपके, आप उनको दिमाग में रखेंगे, और पोएम में यहाँ हमें क्या लिखना है, चूँकि आपको शॉर्ट आंसर टाइप आंसर पहले से लर्न है, इसलिए आप उन्हीं आंसर को यहाँ जोड़ेंगे और जो एक्स्ट्रा लाइन आपको लिखनी है उनको पहले से समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चूँकि आप ब्यूटी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, इसलिए जो आपकी पहली लाइन बनती है वो क्या बनेगी, कि दिस पोएम टेल्स अस, कि ये जो कविता है वो हमसे कहती है अबाउट ब्यूटी, क्योंकि कविता का नाम ब्यूटी है, इसलिए आपकी जो पहली लाइन बनती है वो आप क्या बनाएंगे, कि दिस पोइम टेल्स अस अबाउट ब्यूटी, यानी ब्यूटी के ऊपर हमने एक जनरल लाइन जो थी वो लिख दी, कि ये कविता हमसे ब्यूटी के बारे में कहती है, विच जो,
इज है क्या सोर्स ऑफ जॉय, जो कि खुशी का एक स्रोत होती है। बात आ गई इतनी समझ में कि दिस पोएम टेल्स अस अबाउट ब्यूटी, कि ये जो कविता है वो हमसे ब्यूटी के बारे में कहती है। और ब्यूटी, ये सबको पता है कि ब्यूटी सोर्स ऑफ जॉय होता है, ब्यूटी खुशी का एक स्रोत होती है, कि विच इज जो है ए सोर्स ऑफ जॉय। क्लियर? यहाँ से आपको क्या करना है कि जो आपने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा था, फर्स्ट स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा था कि ब्यूटी इज सीन, के सुंदरता को देखा जाता है, कहाँ कहाँ देखा जाता है वो भी आपको पता है, बस आप इन बातों को इट मे बी सीन करके लिखना है। इट मे बी सीन का मतलब यहाँ क्या है कि वो संभावना जाहिर कर रहा है कि सुंदरता को देखा भी जा सकता है, तो इट मे बी सीन कि इसको देखा जा सकता है। अब कहाँ कहाँ वो वर्ड आपको पहले से लर्न है, इन द ट्रीज के पेड़ों पे देखा जा सकता है, द वर्ड्स पक्षियों में देखा जा सकता है, इसके बाद कॉर्न ग्रोइंग, तो जो ग्रोइंग कॉर्न होती है उसमें देखा जा सकता है, और जब फसल बढ़ती है एंड डांसिंग पीपल फॉर देयर हार्वेस्ट, और नाचते हुए लोगों में भी हम देख सकते हैं जो अपनी फसल के लिए प्रसन्न होते हैं, उनमें भी हम ब्यूटी को देख सकते हैं, एंड डांसिंग पीपल फॉर देयर हार्वेस्ट। क्लियर? तो यहाँ तक ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जिसे आपको देखकर ऐसा लगे कि नहीं हमने कुछ नया लर्न करना है। जो पीछे हम पोइम में पढ़ के आए थे, जो हमने शॉर्ट आंसर टाइप में लर्न किया था, बस वही बातें यहाँ दोबारा करनी है। केवल आपको फर्स्ट लाइन है उसको थोड़ा सा फोकस करना है कि हम चूंकि यहाँ ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसलिए जो पहली लाइन है वो ब्यूटी को लेकर के लिखी कि दिस पोइम टेल्स अस, ये कविता हमसे कहती है अबाउट ब्यूटी, कि ये कविता हमसे ब्यूटी के बारे में कहती है। क्लियर? और ब्यूटी सोर्स ऑफ जॉय होता है, तो विच मतलब जो, तो विच इज सोर्स ऑफ जॉय, कि जो एक खुशी का स्रोत होता है। अब इसके बाद आपको पता है कि आपको क्या लिखना है कि सुंदरता को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो आप लिख दें कि इट मे बी सीन कि इसको देखा जा सकता है, इन द ट्रीज द वर्ड्स, इसके बाद ग्रोइंग कॉर्न एंड डांसिंग पीपल फॉर देयर हार्वेस्ट। ठीक, इसके बाद जो सेकंड बात है वो भी आपको पता है कि सुंदरता को सुना भी जाता है, तो इट मे बी हियर, पैसे बनाना है तो मे के साथ बी लगाइए, हियर का थर्ड करिए। इसी तरीके से मे के साथ ऊपर भी हमने बी लगाया और सी का सीन किया, तो यहाँ भी करेंगे कि इट मे बी हियर, इनको सुना जाता है। अब कहाँ कहाँ वो जगह लिख दीजिए, एक तो साइंग विंड जो आपको पहले से लर्न है, दूसरा आप क्या कहेंगे कि रेन, फॉलिंग रेन, और तीसरा आप क्या कहेंगे कि चंटिंग ऑफ अ सिंगर।